सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का निरीक्षण किया। 3 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर में देश के अलग अलग राज्यों से आए डॉक्टरों ने मरीजों का चेकअप और इलाज किया। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन द्वारा किया गया। स्वास्थ्य शिविर में लाखों लोगों ने हेल्थ चेकअप करवाया। 3रे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चिकित्सा शिविर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे राज्यों से आए हुए डॉक्टरों को सम्मानित किया। उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सारे परिवार इसी तरह विश्वास, विवेक, रानी, बेबी, पप्पी, इनकी पूरी टीम, और मैंने बेटियों के नाम तो ले लिए लेकिन मैं बहुओं का भी कह रहा हूं, नहीं भी कहें कि बेईमानी हो रही है, केवल माई के बालों को याद कर रहे हैं। सबका जो सहयोग है पूरी टीम का, मैं धन्यवाद देता हूं। रोग मुक्त हो जितने भाई और बहन यहां चेकअप कराने आए हैं वो रोग मुक्त हो, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे और कैलाश जी को प्रणाम करते रहे और विश्वास को आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा शिविर के निरीक्षण के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं भी खजुराहो में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाने की सोच रहा हूँ। बिल्कुल इस बात की जरूरत है। वास्तव में बड़े बड़े डॉक्टर्स, मैं यहाँ पर अभी देख रहा था कि किस प्रकार से मुंबई के, अन्य स्थानों के, महाराष्ट्र के डॉक्टर्स यहाँ पर आकर के जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुँचने में उनको बेचारों को कभी अवसर ही नहीं मिलता, न कोई ऐसा चैनल मिलता है। लेकिन ऐसे सभी लोगों को यहाँ पर बुलाकर उन डॉक्टर्स ने उनको देखा है, तो ऐसे डॉक्टर्स को लाने का जो प्रयास होता है, मैं अभी बीच में डॉक्टर गोयनका जी, डॉक्टर भंडारी जी से मेरी बीच में बात हुई थी कि खजुराहो में, बुंदेलखंड में भी बहुत लोगों को इस प्रकार की जरूरत है, तो वहां पर भी इस प्रकार का मेडिकल का शिविर लगे। मैं विश्वास जी से प्रेरणा लेकर के प्रयास करूंगा कि अपने लोकसभा केंद्र पे लगाऊं। गौरतलब है कि 3 दिवसीय चिकित्सा शिविर में लगभग 1 लाख लोगों ने अपना चेकअप करवाया व शिविर से निःशुल्क दवाई भी प्राप्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, भोपाल।